हरीशको ने एक गाड़ी 480 में खरीदी। सतीश को 6 पूर्णांक 1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने भी 10% के लाभ पर गिरीश, गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितने धन दिया कितना धन दिया? तो हरीश ने कितना में खरीदा था? हरीश ने 480। 480। ठीक है, कितना प्रतिशत पे सतीश को दिया? 6 पूर्णांक पूर्णांक 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 424, 25/4। इसका कितना? 25/6 पूर्णांक मतलब 1/4, 25/4। इतना ज्यादा लिया हाँ। मतलब जोड़ कितना? 100 से ज्यादा लिया, 100 जोड़ 25/4 चार मतलब कितना हो गया? 425/4 है ना। तो 480 का कितना हो जाएगा? 425/4 गुने 100% ऐसे लिए। जितना में किसको दिया? सतीश को। सतीश ने कितना में दिया? 10% लाभ मतलब 110/100। इतना में किसको दिया? गिरीश को। एक काटाकुटी करेंगे तो आ जाएगा उत्तर। काटाकुटी करो, एक सुनना, एक सुनना कट गया, इधर से एक सुनना, इधर से एक सुनना कट गया। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, चार चार दो 4 दूनी का 8 आठ हो गया। अब क्या करेंगे? सब गुना करेंगे या फिर 25 से काटो? 25 से कम 5 से ही चीस काटो, 5 बटे 40, बीस 2 बचा 50 25, पच्चीस इसको काटेंगे 5 से 20, बीस फिर 5 से काटेंगे, पाँच पाँच एकम एकम पाँच, पाँच 5 7 35, पैंतीस 5 चौका 20, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, क्या बचा? 17 गुना 11 से 3 में गुना कर देंगे, 33। 33 17 और 33 में गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो गुना करो 17 और 33, 3 7 21 का 1 हासिल, 2 2 3 एकम 3 2 5, 5 1 6 5, 561 रुपया। ठीक है, नंबर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत प्रतिशत है। है। 16 को 2 नंबर, हाँ 16 के दाम पे कितना को बेचा है? 12 को। हाँ इसका मतलब कितना लाभ हुआ? 12 घटा 16 मतलब 4, चार 4 कितना में लाभ हुआ? 12 बारह में, में गुने 100% निकल जाएगा, 3, तीन 3 से काटेंगे 100 को तो कितना आएगा? 33 पूर्णांक 1/3%। ये क्या आएगा लाभ? ला 3 नंबर सवाल पढ़ो। 1 घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 200 अधिक पर बेची जाती तो 2% का लाभ 20%। 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य है कितना है पता नहीं, क्यों निकालते माना हैं ये मान लेंगे। एक्स माना एक्स क्रय मूल्य कितना है? x। कितना लाभ पे बेचा गया? 15%। मतलब x को कितना है बेचा? 115/100। सौ अगर कितना में बेचा बेचता तो 200 रुपया अधिक में बेचता, मतलब इसमें 200 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? कितना के बराबर है? 20 20%। मतलब 120% x का 120% के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? x वाला को एक साइड करेंगे और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 115 115 x जोड़ 200 बराबर ये कितना हो जाएगा? 120 x बटा में 100। अब 15 x वाला को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 120 x/100 = 115 x/100 = 200। ठीक है, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा?
120, 100, 120 से 5 15 जाएगा तो क्या आएगा, 5, 5 5 एक्स 200, 100 काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 4, 40 बार में, तो एक्स बराबर क्या होगा, 100 से गुना हो जाएगा, 4,000 रुपया। एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 के 8 के भाव से बेचे, यदि प्रतः लाभ अथवा अथवा हानि है। हानि देखो 4 रुपये में कितना खरीदा था, 10 10, बेचा कितना 4 रुपये में, 8 8, कितना अंडे का लाभ हुआ, 2 दो अंडे का लाभ हुआ, दो अंडे का लाभ कितना में हुआ, 8 में, हाँ 8 में दो अंडे का लाभ हुआ, हाँ मतलब 2/8 इतना लाभ हुआ उसको, गुना 100% निकल जाएगा, 2 × 8 = 25, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 25% लाभ, केले ठीक है। का 15 रुपए के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किसी भाव से केले खरीदी गई था। खरीदा गया था 15 के भाव से बेचने से 20% का हानि होता है, मतलब 80% बराबर कितना है, 15, 15 तो 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/80 × 100, 101 कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ठीक है, 75 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 75 को 4 से काटो, ठीक है, 4 चार एका चार 4, बचा कितना, 3, 5, अब कितना बार हो जाएगा, चार 16 4 5 6 आठे 32, 4 8 32 बचा कितना, 3, तीन 10 में लेंगे 0, 4 × 7 = 28, बचा 2, 10 के हिसाब से 0, 5, 20 कट गया, बराबर 18.75 रुपया प्रति केला। आ गया उत्तर, दूसरा सवाल पढ़ो, पढ़ो। एक व्यक्ति के घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10 प्रतिशत 10% की हानि पर बेचता है, दोनों स्थितियों में विक्रय मूल 99 हो तो प्रत्येक का क्रय मूल होगा घर कितना है, 2 ठो, दस। दोनों का विक्रय मूल कितना बोला है, 99 रुपया, दोनों को 99 रुपया में बेचा है, ठीक है, एक को 10% का लाभ में बेचा, हाँ मतलब कितना में, कितना में बेचा, 110% में बेचा, हाँ 110 किसका, 110%, 99 का, प्रतिशत और दूसरे घड़ी को कितना में बेचा, हानि हानि में बेचा, 10%। मतलब 10% हानि में बेचा, मतलब कितना बेचा, 90% में बेचा, किसका, 99 का, का दोनों का निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, तब 10 से 10 काट देते हैं, 11 से 99 गुना करेंगे, कितना आएगा, 11 और 99 का गुना कर देते हैं, 99 × 99, 9, 9 18 का 8 से 1, 9 × 1 = 10, 0 है इसीलिए 1 दशमलव आगे बैठा देंगे, कितना आएगा, 108.90, ये लाभ वाला है, हानि वाला कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 से इसमें गुना करेंगे, 9 9 81 का 1, हासिल 8, 9 9 81 8, बोलो, 81 81 और 8 जोड़ देंगे, हाँ 9 8, ठीक है, 8 9 हो गया, 1 0 था इसीलिए यहाँ पर दशमलव, तो लाभ वाला दोनों का क्रय मूल कितना आया, 108.9, और दूसरा क्या आया, 189.10, ठीक है, बोलो। एक आदमी एक गाय को
600 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, उसका प्रतिशत लाभ हो है। एक आदमी क्या करता है, एक गाय को 600 रुपये में 600 में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य है, पांच कितना लाभ उठाता है इसका 1/5 उसको लाभ होगा, तो लाभ कितना हुआ, 5 से काटेंगे 120, 120 रुपया का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य कितना था, 600, लाभ कितना हुआ, तो 120। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 घटाओ 120 बराबर कितना आएगा, 480। अब बोला है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, 120 बटा में 480 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बाजो के 48, 4 से 25, 25% लाभ। ठीक है, चलो नंबर पढ़ो। राम एक घड़ी को 4% का लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम उस घड़ी को 5% का लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने ये घड़ी 273 में खरीदी, तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी ठीक थी? ठीक है, ऐसा क्रय मूल्य निकालना है, चलो निकालते हैं। मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है, x। ठीक है, तो राम ने कितना प्रतिशत लाभ में बेचा है, 4, मतलब 104/100। उसके बाद उसको कितना बेचा है, श्याम ने कितना में बेचा है, 5% लाभ पे, तो 105 बटा में 100। शाम को कितना मिला है, कितने रुपया मिला है, 273, इसके बराबर 273, काटा कुटी करेंगे तो आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, काटा कुटी करो, चलो काटते हैं, 500 काटेंगे कितना आएगा, 5 दूनी का 10, 5 एक 500 काटेंगे 20, हो गया 21, से कटेगा 21 से कम 21, भाग दे के देख लेते हैं एक बार में, 21 6 3 उतरा, 3 बार में कट गया, गया। मतलब 13 बार में कट गया। हाँ अब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 दैया 20, 2 से काट काटेंगे 52, 52 13 से कटेगा, 13 चौके 52, 4 से कटेगा 25, पच्चीस तो एक्स बटा में कितना आया, 250 बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 250, 250 मतलब राम ने कितना रुपए में घड़ी खरीदा था, 250 250 रुपए में। में। पड़ा यदि क्रय मूल्य 550, विक्रय मूल्य 600 हो तो लाभ प्रतिशत है 5, है क्रय मूल्य कितना बोला है, 555। 10 नंबर ना, क्रय मूल्य बोला है पांच पांच सौ सौ पचास पचास विक्रय मूल्य कितना बोला है, 600 600, लाभ क्या होगा, 600 घटा 550 बराबर 50, पचास प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, 50 बटा में 550 गुने 100, 100, एक जीरो जीरो एक जीरो कट कट गया, गया, 5 दैया 50 से 11। ठीक है, मतलब 100 बटा में 11, तो कितना बढ़ जाएगा, 9 11 और 99, 1 बचा, इतना प्रतिशत लाभ। ठीक है, एक व्यक्ति एक लैंप को यदि 20% हानि पर बेचकर 20% लाभ पर बेचता है, तो उस 10 अधिक मिलते हैं। एक लैंप का लैंप का क्रय मूल्य, की क्रय क्रय मूल्य मूल्य है। क्या बोला है सवाल में, फिर से बोलो, विक्रय 20% हानि पर बेच ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता है, क्या मतलब हुआ इसका, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, माना क्रय मूल्य कितना है, एक्स, कितना प्रतिशत हानि में बेच रहा था, 20%, प्रतिशत मतलब 80% में बेच रहा था,
किसका? एक्स का 80/100, लेकिन बेचा कितना में है? बेचा 20% लाभ में। 20% लाभ। मतलब कितना है बेचा? एक्स का 120 में, ठीक है। उसको कितना ज्यादा मिला? 10 रुपया ज्यादा दस मिला। रुपया ज्यादा मतलब इसमें मिला। ज्यादा मिला 10 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों घटाएंगे, अगर 120/100 सौ घटाओ 80x/100 सौ तो कितना रुपया मिल रहा है? 10। दस एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 100 + 100, 120 से 80 जाए कितना आएगा? 40। 100, 109 से 109 एक सुना करके कट गया, दो से 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, दस यहाँ से यहाँ कट गया 5, पाँच तो एक्स बराबर क्या आएगा? 5 से 5 गुना हो गया 25। पच्चीस लैंप का क्रयमूल कितना है? पच्चीस 25 रुपया, ठीक है।